मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सरप्राइजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, NIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफ्रे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीता नगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीता नगर, अकोला। क्या 30 मई को शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल? जिलाधिकारी के आदेश की अवहेलना करा पड़ा महंगा। क्या होम क्वारंटाइन सिस्टम होगा बंद? और कड़ी पार करने का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। कोरोना की तेजी से बढ़ते प्रादुर्भाव की वजह से आरोग्य यंत्रणा को इलाज सुविधा कम पड़ने लगी है। मरीजों को इलाज सुविधा में कोई कमी ना आए, इसके लिए अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू करने के निर्देश गत शुक्रवार को राज्य के वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने दिए थे। इसमें 250 बेड उपलब्ध कराए जा सकेंगे। अस्पताल में कोविड केयर अस्पताल शुरू करने के बाद यहाँ पर फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। उनके साथ 3 या 6 माह का करार किया जाएगा, ऐसी जानकारी आरोग्य सूत्रों से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि फिलहाल में इस कोविड सेंटर में पहले 50 का अस्पताल शुरू किया जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ने पर बेड बढ़ाए जाएंगे। अस्पताल शुरू करने की इजाजत मिलने के बाद इसे 30 मई तक नागरिकों के लिए शुरू करने की बात आरोग्य यंत्रणा की ओर से कही गई थी, किंतु अब तक पद ही नहीं भरे गए, जिसके कारण 30 मई को इस अस्पताल को शुरू करना असंभव नजर आ रहा है। अभी अस्पताल कब शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी। अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन लगा होने के बावजूद जीवनावश्यक चीजों के अलावा अन्य दुकानें खोली जा रही हैं। इसी कारण इस सप्ताह पुलिस प्रशासन तथा मनपा प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों में लापरवाही बढ़ रही है। हालात फिर से न बिगड़े इसके लिए प्रशासन की ओर से प्रतिष्ठानों पर सील तथा जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये कार्रवाई बदस्तूर जारी है और आज भी कई दुकानों को सील लगाने की, जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। कोरोना संक्रमण की तीव्रता और खतरे को देखते हुए राज्य में जोन बनाए गए हैं और अकोला रेड जोन में आ रहा है, इसलिए कोरोना के मरीज जहाँ अधिक है तथा मौतों का अनुपात भी बढ़ रहा है, ऐसे जिलों को रेड जोन में रखा गया है। इन सभी जिलों में होम क्वारंटाइन में मरीजों को रहने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी, ऐसे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। 4 दिन पूर्व ही अकोला के जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने ये संकेत दिए थे कि अगर कोरोना के होम क्वारंटाइन मरीज नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें संस्थात्मक आइसोलेशन में रखा जाएगा। 25 मई को संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह ने भी ये जायजा बैठक में यही संकेत दिए कि होम क्वारंटाइन मरीजों को संस्थात्मक आइसोलेशन में रखा जाए ताकि उनका समुचित इलाज किया जा सके और वे संक्रमण के वायरस ना बन पाए। जिले में अपराधियों के सिर कुचलने तथा नागरिकों को राहत का वातावरण देने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत अथक प्रयास कर रहे हैं। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने अब तक उनके खिलाफ तड़ीपार तथा MPDA जैसी कार्रवाई आरम्भ कर दी है, जिससे आरोपियों में पुलिस की कड़ाई का खौफ दिखने लगा है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में कुख्यात अपराधियों के रूप में नामजद आरोपियों के खिलाफ उपयुक्त धाराओं के तहत प्रस्ताव तैयार कर भेजा जा रहा है। पुराना शहर पुलिस थाना निरीक्षक महेंद्र देशमुख ने रिपाई आठोले गुट के महानगराध्यक्ष गजानन काशीनाथ कामले तथा युवराज साहबराव भागवत के खिलाफ दर्ज अनगिनत अपराधों को देखते हुए उन्हें जिले से तड़ीपार करने का प्रस्ताव तैयार कर SDPO सचिन कदम के माध्यम से
पुलिस अधीक्षक के पास भेजा था। दस्तावेजों की पड़ताल और आरोपियों का पक्ष सुनने के पश्चात जिला पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को 2 साल के लिए जिले से तड़ीपार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। स्थानीय पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जिले से बाहर कर दिया है। जिले के अन्य आरोपियों की सूची भी तैयार की जा रही है, जिन्हें आगामी दिनों में तड़ीपार की जाने की संभावना है। अकोला शहर समेत जिले की अधिकांश तहसीलों में गुरुवार को दोपहर बाद एकाएक मौसम में बदलाव हुआ और साफ आसमान में बादलों का जमावड़ा होने लगा। उसके बाद एकाएक तेज हवाओं के चलने से मौसम ने मानो रुद्रा अवतार धारण कर लिया हो और थोड़ी देर बाद ये तूफान थम सा गया। लेकिन हल्की हल्की हवाएं चलती रही और अकोला शहर में एकाएक हुई इस हलचल से लोगों को हालांकि खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के चलने के कारण न तो सड़कों पर लोगों की भीड़ है और न ही बाजार खुले हैं। अधिकांश लोगों ने अपने घरों में होने की वजह से तूफानी हवाओं में भागम भाग नहीं मचाई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में किसान और खेत मजदूर वर्ग अभी खरीफ की बुआई और विविध तैयारी में लगा हुआ है, इसलिए उनके काम में इस तरह का मौसम व्यवधान खड़ा करता है। तहसीलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की तूफानी हवाओं के कारण हालांकि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सायंकाल तक इस संदर्भ में जिला आपदा विभाग से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के नुकसान की फिलहाल जानकारी नहीं है। जैसे कि पिछले सप्ताह ताऊते के कारण जिले में 2 बार तूफानी हवाओं का कहर बरपा था, जिसके कारण फलोद्यानों को काफी नुकसान पहुंचा था। इस बार भी समुद्री तूफान यास के परिणाम के स्वरूप जिले में मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में SDPO सचिन कदम इनके विशेष पथक को जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर विशेष दल ने खदान पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले 2 जगह पर रेड कर विकास चौहान और विशाल डाकने दोनों को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ इनके घर से देशी विदेशी शराब का लगभग 9,460 रुपए का माल भी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ खदान पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है, आगे की जाँच चल रही है। कोरोना काल में कई संगठन, कई नागरिक अपने अपने हिसाब से नागरिकों की मदद कर रहे हैं। इसी तरह का उपक्रम छत्रपति फाउंडेशन और श्री कृष्ण शर्मा इनके मित्र मंडलों द्वारा किया जा रहा है। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन सभी की तरफ से नागरिकों को फलों का वितरण किया जा रहा है। रोज लगभग 150 से 200 लोगों को फलों के पैकेट बनाकर इसका वितरण किया जा रहा है, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सके। ये पैकेट खासकर गरीब लोगों में बांटे जा रहे हैं। फलों का वितरण करते समय जब जरूरतमंदों के चेहरों पे जो खुशी देखने को मिलती है, वो देखकर सबको लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है, और इसी तरह का कार्य जारी रखने की कोशिश वे करते रहेंगे, इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर और अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, साथ ही पुलिस उपनिरीक्षक स्वाति इताफे मैडम इनके दल को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर जुआ खेल रहे कैलाश ईश्वर बोड़फड़े उम्र 24, शिवसेना वसात के ही विठल मधुकर गीते, कैलाश जनार्दन काटकर, गजानन तुकाराम काड़पांडे, सतीश केशव वनस्कर इनके पास से 2010 रुपए जुआ साहित्य पकड़कर लगभग 3,450 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ जूने शहर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज किया गया है, आगे की जांच शुरू है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है विधि सेल्स कॉर्पोरेशन, मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। विधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफ्रे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का।